चंद्रशेखर भाई, जय भीम की, आप यहाँ पे आओ, मेरी मदद करो। और मेरे ससुर को भी मार दिया, मेरी सास को भी मार दिया, मेरे पति को भी मार दिया, मेरे बच्चों को भी धमकी दी जा रही है। आप आकर मेरी मदद करो भैया, मुझे आप ही का सहारा है। चंद्रशेखर भैया, मुझको यहाँ पर खतरा है, आप जल्दी से यहाँ पर आओ। उत्तर प्रदेश के राम राज्य में न्याय की उम्मीद खो बैठी फरियादी महिला ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से लगाई मदद की गुहार। पीड़ित महिला व उसके बेटे ने भावुक अपील करते हुए कहा कि चंद्रशेखर, आप यहां पर आ जाओ, बस आप ही सहारा हो। चंद्रशेखर भैया, मुझको यहां पर खतरा है, आप जल्दी से यहां पर आओ। आपको बता दें कि यह मामला उत्तर प्रदेश के जिला औरैया थाना क्षेत्र सहार के अंतर्गत बहादुरपुर गाँव का है। बीते 22 जनवरी को पीड़िता के पति की ठाकुर समुदाय के लोगों ने फावड़े से हमला कर दी थी निर्मम हत्या। पीड़िता का आरोप यह भी है कि 2 साल पहले सास और उससे पहले ससुर को भी इसी तरह मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे में डरे सहमे परिवार ने अब चंद्रशेखर आजाद से मदद की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में पुलिस कार्यवाही की बात करें तो आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक पीड़िता की तहरीर के आधार पर 4 नामजद और एक अन्य अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी गजेंद्र सिंह को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखना है कि पीड़िता की आवाज भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद तक पहुंच पाती है और क्या चंद्रशेखर आजाद इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए औरैया जिले के बहादुरपुर गाँव पहुंचेंगे। क्या लगता है आपको इस पूरे घटनाक्रम पर? वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में जरूर लिखें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। चंद्रशेखर भाई, जय भीम की, आप यहाँ पे आओ, मेरी मदद करो। और मेरे ससुर को भी मार दिया, मेरी सास को भी मार दिया, मेरे पति को भी मार दिया, मेरे बच्चों को भी धमकी दी जा रही है। आप आकर मेरी मदद करो भैया, मुझे आप ही का सहारा है। चंद्रशेखर भैया, मुझको यहाँ पर खतरा है, आप जल्दी से यहाँ पर आओ। ब्रजेश कुमार की पुरानी रंजिश के कारण फावड़े से घातक प्रहार कर हत्या की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में मृतक ब्रजेश की पत्नी श्रीमती आरती देवी के तहरीर के आधार पर कुल 4 नामजद व 1 अज्ञात के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत हुआ था। उनमें से मुख्य आरोपी गजेंद्र सिंह को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर उसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फावड़ा बरामद करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। शेष नामित आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है, साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।